देखा गया है कि बड़े बड़े राजा जो भक्त हुए भगवान के, उन्होंने अपना साम्राज्य त्याग दिया, वन में चले गए, अपनी राजधानी के सुख को, अपने पुत्र स्त्री आदि के सुख को त्याग कर वन में चले गए। इसलिए यह प्रचलित धारणा है और सत्य है कि भगवान वन में रहते हैं, वन में उनका भजन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र होती है। ध्रुव महाराज भगवान से मिलना चाहते थे, उनके माँ ने कहा कि बेटा तुम तप करो, भगवान का भजन करो, तो बाद में जब श्री नारद जी मिले तो उनको वृंदावन भेजे, मधुबन में भेजे कि जाओ वहां भजन करो, क्योंकि सिटी में गांव में रहने पर सांसारिक वार्ता, ये टीवी देखो, ये करो ये करो, क्या कोई भजन करेगा, दिमाग तो 24 घंटा संसार में उलझा रहता है, कोई कृष्ण का स्मरण कैसे कर सकता है, बहुत कठिन है। इसीलिए कृष्ण को पाने की लालसा से बड़े बड़े लोग अपना राज्य छोड़ दिए, जैसे राजर्षि भरत अपना अखंड भूमंडल का राज्य छोड़ करके वन में चले गए। और हमारे परंपरा के आचार्य गण जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद सनातन गोस्वामी और श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी आदि, ये बड़े बड़े वैष्णव सिरमौर बहुत धनी पद पर थे। वे लोग रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बंगाल के राजा के महामंत्री थे, इनको बहुत वेतन मिलता था, और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे बंगाल में। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा पाने के लिए, कृष्ण का चरण कमल पाने के लिए इन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। रघुनाथ दास गोस्वामी छोड़ दिए अपनी नव विवाहिता पत्नी को, उससे बात भी नहीं किए, भाग गए रात को उठ करके और जगन्नाथपुरी चले गए, वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु रहते थे। और इतना बड़ा धनी व्यक्ति का लड़का जा करके जगन्नाथपुरी में क्या खा रहा था, आनंद बाजार आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत से प्रसाद बेचने वाले बेचते हैं और कुछ प्रसाद बच जाता है कभी कभी, तो वे लोग गौओं को फेंक देते हैं खाने के लिए, गौएं भी जिसको नहीं खाती हैं वो प्रसाद कभी कभी नाली में बहता है कभी कुछ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में नाली से भात निकाल निकाल करके और खा रहे थे, इतना बड़ा बैराग। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि रघुनाथ ऐसे रह रहा है तो उनका चित्त बिल्कुल द्रवित हो गया, लेकिन फिर भी बहुत प्रसन्न थे कि इस तरह का वैराग्य। और जब वे भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन गए, राधा कुंड पर निवास किए, तो वहां पर वे छाछ पी करके भजन करते थे, और वो भी छाछ कितना, जितना अंजलि में आ जाए उतना ही पीते थे, और निरंतर 1,00,000 जप करते थे, 1,000 प्रणाम करते थे भगवान को, और 200 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। प्रतिदिन का इनका नियम था 1,000 दंडवत प्रणाम भगवान को, गिरिराज जी को करते थे, और 1,00,000 जप करते थे, सोते बिल्कुल नहीं थे। तो शयन, नींद और आहार दोनों को बिल्कुल कम कर दिए थे, तो कोई भोजन है छाछ पी करके भजन करने, ये वैराग हुआ। और रूप गोस्वामी पाद आदि शुष्क रूटी चना चिबाय भोग परिहरी, इतने बड़े व्यक्ति थे लेकिन सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में रहते थे। काम कितना करते थे, ये बताया गया है कि सार्ध सप्त प्रहर कृष्ण भजन, चार दंड शयन है,
नाम संकीर्तन से न हो कोन दिन। साढ़े सात प्रहर, इसका मतलब 8 तारीख 24, साढ़े 23 घंटा भजन करते थे। 1.5 घंटा में स्नान या भोजन या शयन सब पूरा कर, और किसी किसी दिन नाम कीर्तन का ऐसा आवेश होता था जप का कि वो भी नहीं करते थे, खाते भी नहीं थे, सोते भी नहीं थे। इस तरह का भजन चैतन्य चरितमानस में लिखा गया। और जब कोई महानुभाव वृंदावन से जाता था बंगाल उड़ीसा जगन्नाथपुरी धाम, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कैसे सनातन रह रहे हैं, कैसे रूप गोस्वामी रह रहे हैं। तो वे कहते थे वो तो सोते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, सूखा चना चबा लेते हैं, कभी सब्जी नहीं खाए, कभी मीठा नहीं, कुछ नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते थे, उन पर कृष्ण की कृपा हो गई है, इसीलिए उनकी इंद्रियां भोगों में नहीं है, कृष्ण अपना मान चुके हैं उनको, कृष्ण मान चुके, आप ही तो कृष्ण हैं, ये कृपा थी उनकी।